क्योंकि वुमेन को जैसे कई प्रैक्टिस रिलीजन में उनका रिलीजियस सैंक्शन है, जैसे पॉलीगेमी, ठीक है, अनइक्वल इनहेरिटेंस राइट्स, इनहेरिटेंस राइट की बराबर का उनको हक नहीं मिलता है प्रॉपर्टी में, तो ये सब चीजें जो है वो मतलब उनको ये सब इन सब चीजों का ये पर्सनल लॉस नहीं गवर्न होती है। पर्सनल लॉस किसके पर बेस्ड है, रिलीजन के पर बेस्ड है, मतलब ये सारी चीजों को पीछे से रिलीजियस सैंक्शन मिला हुआ है, इसी वजह से ये सोसाइटी में लगातार ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। तो अगर आपको ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है वुमेन के अगेंस्ट में, तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ही पड़ेगा, ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओगे तो पॉलीगैमी जैसी प्रैक्टिस खत्म करोगे, अनइक्वल इनहेरिटेंस राइट खत्म करोगे, उनको इक्वल को पर्सनल बनाओगे आप, तब जगह कहते हैं उनको बराबर के हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वुमेन को इक्वालिटी लिए कहनी है और जेंडर जस्टिस, ठीक है, कि वुमेन के लिए जस्टिस तभी पॉसिबल है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सके। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आता है, ठीक है, तो ये सारी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस वुमेन के अगेंस्ट में चलती रहेगी और वुमेन को कभी इक्वालिटी, कभी जेंडर जस्टिस पॉसिबल नहीं होगा, कभी जेंडर इक्वालिटी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। फिर अब ये मैटर क्या कहते हैं, ये तो के मुंशी और नाजरुद्दीन अहमद का एक व्यू पॉइंट था। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी एम राव अम्बेडकर, ठीक है, उनका भी कुछ स्टैंस था, उनका बहुत सिंपल स्टैंस था कि ही वॉज एम्बिवेलेंट ऑन द इशू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब वो अनडिसाइडेड सिस्टम है, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है गवर्नमेंट तो इट शुड बी वॉलेंट्री बेसिस पे लाना चाहिए, ठीक है, जो कम्युनिटी मानती है उसके लिए ले आओ, जो कम्युनिटी नहीं मानती है वो जब मानने के तब ले आओ, ठीक है, ग्रेजुअल होना चाहिए, ठीक है। इसी चीज को लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिबेट चल रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाए तो कहां रखा जाए, पार्ट 3 में रखा जाए फंडामेंटल राइट्स में या पार्ट 4 में रखा जाएगा डीपीएस पे। तो मैंने इससे पहले जब आपसे पूछा था कि आर्टिकल 44 कहां पे है, पार्ट 4 में, और पार्ट 4 क्या है, डीपीएसपी में, ठीक है, डीपीएसपी का मतलब है कि वो इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट आप कोर्ट में जाकर उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, लीगली जस्टिशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो डिबेट थी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की, उसको ये डिबेट जो थी यूसीसी की, सॉरी, कि उसको फंडामेंटल राइट का पार्ट बनाना चाहिए या कि या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं और रखना चाहिए, वो डिसाइड की गई, एक सब कमिटी बनी थी, ठीक है, सब कमिटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, उसमें 9 मेंबर्स थे और उन्होंने और उनके चेयरमैन थे सरदार पटेल। उस कमेटी ने डिसाइड किया कि ये जो यूसीसी का मैटर है ये फंडामेंटल राइट्स का मैटर नहीं है, वो 9 लोगों के मेंबर थे, उन्होंने 5-4 की मेजोरिटी से डिसाइड किया कि जो यूसीसी है वो फंडामेंटल राइट्स का मैटर नहीं, इट इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जब फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड नहीं है ये चीज, तो उन्होंने इसको हटाया फंडामेंटल राइट्स से और कहां रख दिया गया, पार्ट 4 में रख दिया गया, डीपीएसपी में रख दिया गया, ठीक है। तो इसी वजह से आज हम लोग जो यूसीसी को पढ़ते हैं वो डीपीएसपी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट थी, ठीक है, इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस कहां चीजें शुरू हुई, ठीक है, एक छोटा सा वो है 1940। अब यूसीसी जो था वो सारी कम्युनिटीज के लिए था, ठीक है, लेकिन 1948-49 के अराउंड में, ठीक है, एक हिंदू कोड बिल आया, ठीक है, उसका काम भी यही था, ठीक है, क्योंकि हिंदूज में भी क्या कहते हैं अलग अलग सेक्ट्स थे, अलग अलग कम्युनिटीज थी, ठीक है, जिनके खुद के पर्सनल लॉस होते थे। कई हिंदू जैसे साउथ इंडिया में चले जाओ तो वहां पॉलीगैमी अलाउड है, ठीक है, मैरिज बिटवीन क्लोज कजन्स अलाउड है, नॉर्थ इंडिया में नहीं अलाउड है, ठीक है। तो वो चीज को इस चीज को रेगुलेट करने के लिए कि जो हिंदूज हैं, ठीक है, हिंदूज में उन्होंने बुद्धिज जैन सिख सबको हिंदू का ही पार्ट करना, तो इनके जो मैरिज डिवोर्स अडॉप्शन इनहेरिटेंस वाले लॉज हैं उनको एक बनाने के लिए कि अब सारे हिंदूज जो हैं वो एक ही लॉ से गवर्न होंगे, एक हिंदू कोड बिल लाया गया, ठीक है, हिंदू कोड बिल एक्ट बनाया गया, मतलब उसका पहला नाम था हिंदू कोड बिल, बाद में आकर उसके ऊपर एक्ट बना। तो जब इस बिल की डिबेट हो रही थी, जब इस बिल को पास किया जा रहा था पार्लियामेंट में, तब उस समय जो डिबेट हुई उस डिबेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठी, ठीक है। यूनिफॉर्म कुछ मेंबर्स ने ये बोला कि आप केवल हिंदूज के लिए मैरिज और डिवोर्स के लिए क्यों एक एक्ट लेके आ रहे हो, आप सारी कम्युनिटीज के लिए क्या हो, सारी कम्युनिटीज के लिए क्या लेके आओगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओगे, ठीक है। तो उस समय डिबेट हुई और ये काफी इंपॉर्टेंट बिल है, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट बिल है, इसके बेसिस पे 4 एक्ट बने जिसके बेसिस पे आज हम लोग
हिंदूस की शादी डिवोर्स ये सब चीजें गवर्न होती हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदूस डिवोर्स एक्ट, ठीक है, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ठीक है, मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है, ये चार पांच एक्ट बने। तो ये हिंदू कोर्ट बिल जो था एक एक्ट लाना था, लेकिन बाद में क्या कहते हैं कुछ फंडामेंटलिस्ट ने अपोज किया, तो चार अलग अलग लॉस लेके आए गए, ठीक है। तो इसकी डिबेट के दौरान बात उठी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहिए, क्यों केवल हिंदूज के लिए ही एक्ट लेके आया जा रहा है, ठीक है, सारी कंपनीज को लेके आना चाहिए, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। अब ये इतना बड़ा मैटर है तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ ना कुछ व्यू होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेके अपने व्यूज दिए हैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के, ठीक है। एक शाहबानो केस है, बहुत ही फेमस केस है, ठीक है, आप सब जानते ही होंगे शाहबानो केस 1985 में आया था, ठीक है। उस समय के जो चीफ जस्टिस थे वाई वी चंद्रचूड़, उन्होंने क्या कहते हैं ऑब्जर्व किया था उस एक्ट के दौरान, उस केस के दौरान, केस प्रोसीडिंग चल रही थी, कि यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, एंड सो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द पार्लियामेंट टू फ्रेम अ यूसीसी। मतलब उन्होंने उस, जब उन्होंने जजमेंट दिया तो उन्होंने उसके बाद पार्लियामेंट को डायरेक्ट किया कि वो यूसीसी लेके आए। अब ये एक्ट क्या, मतलब ये केस क्या था, उसके बारे में जान लेते हैं, काफी फेमस केस है, ठीक है, और हम लोग इसके बारे में जानना भी चाहिए, ठीक है। शाहबानो का केस क्या था, शाहबानो वॉज अ मुस्लिम वुमन, ठीक है, जो भी ओल्ड एज में थी, उनकी 40 साल की मतलब अराउंड 40 ईयर्स ऑफ मैरिज, शी वॉज डिवोर्स बाय हर हस्बैंड, ठीक है, उनके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स कर दिया था विथ वेरी लिटिल मेंटेनेंस, एक दो महीने का कुछ पैसे दिए थे और डिवोर्स कर दिया था, ट्रिपल तलाक दे दिया था, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट गई, ठीक है, और इन्होंने सीआरपीसी के अंडर में, ठीक है, सीआरपीसी का सेक्शन 125, ठीक है, सीआरपीसी का सेक्शन 125 के अंडर में इन्होंने क्या मांगा, इन्होंने बोला कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाए। अब सेक्शन 125 जो है सीआरपीसी का, ये कहता है कि अगर कोई आदमी अपने बूढ़े माँ बाप को अलग कर रहा है, बेदखल कर रहा है, या अपनी वाइफ को बेदखल कर रहा है, ठीक है, या फिर अपने छोटे बच्चों को बेदखल कर रहा है प्रॉपर्टी से, तो उनके सस्टेनेंस के लिए उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी सीआरपीसी में ये सेक्शन 125 में लिखा हुआ है कि उनको क्या कहते हैं मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो उन्होंने, शाहबानो ने इसी के अंडर में अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगा, ठीक है, लेकिन हस्बैंड का कंटेंशन ये था कि चूंकि उनके रिलीजियस लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉस में, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉस में, और मुस्लिम पर्सनल लॉस कैसे गवर्न होता है, वो एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ, ठीक है, जो डिसाइड लिखता है कि मतलब इस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉस है और मुस्लिम की शादी वगैरह इसी से ही गवर्न होती है। तो उन्होंने बोला कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अलाउ नहीं करता है, उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने बोला कि अहमद नाम था उनका, कि ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है, मेंटेनेंस देना, और वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो सुप्रीम है एज कम्पेयर टू द सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, ठीक है। लेकिन ये जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में जजमेंट दिया और उनको सेक्शन 125 के अंडर में मेंटेनेंस दिलवाया अपने हस्बैंड से, ठीक है। और उसी दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये प्रॉब्लम इसीलिए आई है क्योंकि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी देयर फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन, और उन्होंने पार्लियामेंट को बोला, पार्लियामेंट को डायरेक्ट किया कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखाओ। फिर अगला जो केस था वो सरला मुगदल केस था, उसमें क्या होता, एक हिंदू कपल था, ठीक है, हिंदू कपल जो था उसमें हस्बैंड ने क्या कहता कि सेकंड मैरिज करने के लिए ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, ठीक है, क्योंकि इस्लाम में क्या कहते हैं एक से ज्यादा मैरिज अलाउड होती है, तो ही कन्वर्टेड टू इस्लाम, ठीक है। तो ये केस भी गया उसमें, ठीक है, इसमें फिर मुद्दा उठा, फिर सीआरपीसी का एक सेक्शन का नाम आया सेक्शन 194 क्लॉज 5, ठीक है। तो जो वाइफ थी उन्होंने बोला कि मतलब ये अलाउड नहीं है, हस्बैंड को अलाउड नहीं किया जा सकता कि वो मुस्लिम इस्लाम में कन्वर्ट होकर सेकंड मैरिज कर ले, ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। क्यों क्यों नहीं अलाउड है, क्योंकि सेक्शन 494 क्लॉज 5 जो है सीआरपीसी का, वो कहता है कि अगर कोई हिंदू कपल है, ठीक है, तो उसको अगर दूसरी शादी करनी है, ठीक है, तो उसको फिर वो हिंदू मैरिज एक्ट और जो हिंदू डिवोर्स एक्ट है उसके अंडर में अपनी वाइफ को पहले डिवोर्स करना पड़ेगा थ्रू कोर्ट, ठीक है, और जब वो कोर्ट ऑर्डर के बाद से डिवोर्स उसे ले लेगा उसके बाद ही देन ही इज एलिजिबल टू मतलब उसके बाद ही देन ही बिकम्स एलिजिबल फॉर सेकंड मैरिज, ठीक है। तो ये उन्होंने किया नहीं था, ठीक है, ये उन्होंने किया नहीं था, उन्होंने केवल सेकंड मैरिज करने के लिए मुस्लिम इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। तो वो चीज को के लिए जो उनकी वाइफ ने सेक्शन 494 में क्या कहते हैं ये केस रेस किया, तो फिर
ऑब्वियसली क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ने इन्हीं के फेवर में ये जजमेंट दिया। और इस केस के दौरान जब प्रोसीडिंग चल रही थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, अदरवाइज ऐसा मिसयूज जो है पर्सनल लॉस का होता रहेगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो सलाम मुद्गल केस है जो हस्बैंड ने किया, इट इज अ प्योर, इट इज प्योरली अ केस ऑफ मिसयूज ऑफ द पर्सनल लॉस। ठीक है, अपने फायदे के लिए पर्सनल लॉस को, मुस्लिम्स पर्सनल लॉस को मिसयूज किया है एक आदमी ने। ठीक है, फिर इसी कड़ी में एक अगला केस आया जॉन वल्ला मैटन। ठीक है, ये क्या केस था, इसमें जॉन वल्ला मैटन केरला के एक प्रीस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो इंडियस सक्सेशन एक्ट करके एक एक्ट है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, सक्सेशन एक्ट में एक सेक्शन है 180, वो प्रोहिबिट करता है क्रिश्चियंस को, ठीक है, वो प्रोहिबिट करता है क्रिश्चियन को कि वो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा रिलीजियस चर्च वगैरह को डोनेट कर सके। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये जो सेक्शन है ये प्रोहिबिटरी है अगेंस्ट क्रिश्चियंस। ठीक है, क्योंकि हिंदूज या मुस्लिम्स में ये अलाउड किया गया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी रिलीजियस ट्रस्ट को दे सकते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस को अलाउड नहीं किया गया है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये मतलब उन्होंने बोला कि ये गलत है। ठीक है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इनके केस में इनके फेवर में जजमेंट दिया और उसको जो आर्टिकल था सक्सेशन एक्ट का उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ठीक है, वो सेक्शन 118 था शायद ऑफ इंडिया सक्सेशन एक्ट। ठीक है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, इनके फेवर में जजमेंट दिया। और फिर क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान फिर भी बोला, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन गिवन इफेक्ट टू। उन्होंने बोला कि ये मतलब ये काफी रिग्रेट की बात है कि आर्टिकल 44 को नहीं क्या कहते हैं अभी तक गिवन इफेक्ट, मतलब होता है कि इसको क्यों नहीं लागू किया गया आज तक। ठीक है, और ये नहीं लागू किया गया था इसी वजह से ये सारे मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को तुरंत से तुरंत यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के कॉज को हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन लॉ कमीशन आप जानते हैं, लॉ कमीशन गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टाइम पे कमीशन बनाती है, लॉ कमीशन। ठीक है, जिसका काम यही होता है कि वो अगर कुछ, जिसका यही काम होता है कि वो कुछ जो लीगल मैटर्स हैं उसके ऊपर आप रिपोर्ट प्रिपेयर करें और गवर्नमेंट को बताए कि मतलब लीगल मैटर्स है। तो यूनिफॉर्म रिपोर्ट जो है वो लीगल मैटर है। तो 2018 में 21st लॉ कमीशन बना था, जिसको जिसके जो प्रेसिडेंट थे या जिसके हेड थे वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे बलबीर सिंह चौहान। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि एट दिस स्टेज मतलब 2018 के अराउंड अगर मैं बात करूं, उन्होंने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ यूजीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल, मतलब यूजीसी की जरूरत नहीं है आज के टाइम पे। ठीक है, उन्होंने बोला कि सेक्युलरिज्म जो है इंडिया में उसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट जो है वो मतलब किसी रिलीजन के पर्सनल लॉज में इंटरफेयर करे। ठीक है, और चूंकि जो जो मैरिज डिवोर्स पर्सनल लॉज है वो क्या दिखाते हैं, वो प्लुरैलिटी दिखाते हैं, वो रिलीजियस कस्टम्स और ट्रेडिशन की प्लुरैलिटी दिखाते हैं कि अलग अलग तरह से शादी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग तरह से शादी हो सकती है, अलग तरह से डिवोर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये एक प्लुरलिस्टिक ट्रेडिशन है पूरी कंट्री का। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटीज हैं वो अलग अलग तरह से अपने पर्सनल अपने आप को गवर्न करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सेक्युलरिज्म जो है इंडिया का वो प्लुरलिटी या डाइवर्सिटी को जो हमारी कंट्री प्रेजेंट है उसको कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप यूजीसी लेके आएंगे सेक्युलरिज्म के नाम पे तो वो प्लुरलिटी या डाइवर्सिटी को कॉन्ट्रेडिक्ट करेगा, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना चाहिए, उनका ये कहना था। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए तो क्यों लाना चाहिए और नहीं लाना चाहिए तो क्यों नहीं लाना चाहिए, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ एडवांटेज हैं, वो हमारा आज का टॉप डिस्कशन का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, कॉन्स ऑफ यूनिफॉर्म्स सिविल कोड का मतलब कि डिसएडवांटेज क्या, अगर आप लेके आते हैं तो क्या इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब चूंकि हम लोग ने बोला कि क्रिमिनल लॉज जो है आईपीसी, ठीक है, या सिविल प्रोसीजर कोड या सीआरपीसी, ये यूनिफॉर्म है पूरी कंट्री के लिए। ठीक है, क्योंकि ये 17th-16th सेंचुरी मिडिवल टाइम्स में अलग अलग थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों के टाइम पे इसको सेम कर दिया क्रिमिनल लॉस। अब आपका काम है, आप मुझे ये बताइए कि इन ये आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए इस समय गवर्नमेंट एक और नया एक्ट लेके आई है, पढ़ा होगा आपने, भी बहुत रिसेंट है, भारतीय न्याय संहिता नाम है उसका। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसको रिप्लेस करने के लिए, लेकिन वो भी सिमिलर ही रहेगा सारी कम्युनिटीज के लिए। ठीक है, तो कंट्री में क्या कहते हैं, जो सिविल लॉज है क्रिमिनल लॉज है उनको बोला जाता है कि वो प्लूरल है, मतलब वो यूनिफॉर्म है पूरी कंट्रीज के लिए, वो सारे कंट्रीज के लिए, सारे स्टेट, सारे रीजन के लिए एक ही लॉ लगता है। ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है।
ठीक है, क्योंकि जो कोडिफाइड सिविल और क्रिमिनल लॉज है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्लुरैलिटी है, ठीक है, यहां पे मतलब नो प्लुरैलिटी नहीं, प्लुरैलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये गलत लिख दिया, प्लुरैलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कैसे, जो भी आईपीसी है या जो सिविल लॉज है, ठीक है, उसके अंदर क्या कहते हैं, स्टेट को अलाउ किया गया है कि स्टेट्स अपने खुद के अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, तो डिफरेंट स्टेट्स ने अराउंड 100 अमेंडमेंट्स लेके आए हैं किसमें, आईपीसी वगैरह, ठीक है, आईपीसी में 100 अमेंडमेंट्स लेके आए हैं अलग अलग स्टेट्स में, कुछ और जैसे एंटीसिपेटरी बेल होती है, एंटीसिपेटरी बेल आपको मालूम होती है, ठीक है, वो सीआरपीसी के अंदर आती है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, अगर कोई सी आदमी को लगता है कि मुझे पुलिस आके अरेस्ट करने वाली है तो वो क्या करेगा, वो पुलिस में जाके या कोर्ट में जाके पहले से एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देगा, ठीक है, ताकि वो गिरफ्तार होते ही अरेस्ट होते ही फिर से क्या कहते हैं रिलीज कर दिया जाएगा किसी एंटीसिपेटरी बेल पे, क्योंकि उसने एंटीसिपेट किया, ठीक है, तो कुछ सर्कमस्टेंसेस में जो अक्यूज होता है वो एंटीसिपेटरी बेल मांग सकता है, ठीक है, और इसके प्रोविजन सीआरपीसी में दिए हैं, और स्टेट गवर्नमेंट ने, कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया है, सीआरपीसी में चेंज लाके एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजंस क्या कहते हैं चेंज कर लिए हैं अपनी जो उनकी स्टेट की कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल और है मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट भी सिविल एक्ट है, वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ठीक है, उसमें जो फाइंस वगैरह लगते हैं उसके क्या कहते हैं जो फाइंस है उसका जो अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोटर व्हीकल एक्ट लेके आई उसने कुछ पेनल्टी बताई कि अगर ट्रैफिक पॉल्यूशन करोगे तो 10,000 रुपए बनेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया इसको क्या कहते हैं चेंज कर लिया, अपने अकॉर्डिंग अमेंडमेंट लेके आए मोटर व्हीकल एक्ट में और फाइन को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि हम लोग जो आईपीसी और सीआरपीसी की जो बता रहे हैं यूनिफॉर्मिटी होती है वो एक्चुअल में यूनिफॉर्म नहीं है, उनमें भी प्लुरैलिटी है, क्योंकि स्टेट्स को अलाउ किया गया है कि वो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं इन सारे एक्ट्स में, तो वो एक्चुअल में पूरे यूनिफॉर्म नहीं, कुछ कुछ चेंजेस हैं स्टेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया था, जो पर्सनल लॉज है उनको कहां पे रखा है, शेड्यूल 7, ठीक है, शेड्यूल 7 की कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से मैटर रखे जाते हैं जिसमें जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी जिसके ऊपर एक्ट बना सकती है या फिर जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी एक्ट बना सकती है, ठीक है, तो पर्सनल लॉज को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्या कहते हैं चाहता है कि पर्सनल लॉज एक जैसे नहीं हो, यूनिफॉर्म नहीं हो, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अकॉर्डिंग पर्सनल लॉज को चेंज कर सकती हैं, ठीक है, और यही क्या कहते हैं यही वो प्रोविजन है, क्योंकि ये जो पर्सनल लॉज है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, कौन सी एंट्री है, एंट्री 5 है, ठीक है, क्योंकि पर्सनल लॉज कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसी वजह से उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है वो क्या लेके आ पाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ पाई, अगर यही चीज क्या कहते हैं पर्सनल लॉज यूनियन लिस्ट में होते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन लेके आ सकता था, केवल यूनियन गवर्नमेंट ही लेके आ सकती थी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेके आ सकती थी, ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे हमारे फोर फादर्स उन्होंने ही डिसाइड किया था कि पर्सनल लॉज को प्लुरैलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए उन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट में रखा, ठीक है, फिर एक और डिसएडवांटेज बताया जाता है कि रिलीजियस सेंसिटिविटीज हर्ट होंगी, ठीक है, कल्चरल सेंसिटिविटीज हर्ट होंगी, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है डाइवर्स है, प्लूरलिस्टिक ट्रेडिशन वाली कंट्री, ठीक है, तो अगर और इसमें क्या होता है जो हमारे पर्सनल लॉज है ऑब्वियसली सारे के सारे जो पर्सनल लॉज है हर कम्युनिटीज के वो कहां से गवर्न है, ठीक है, रिलीजन से गवर्न है, जैसे हिंदूज क्या मानते हैं शादी को, 7 फेरे लेते हैं, इसका मतलब क्या है 7 जन्मों का रिश्ता है, ठीक है, तो वो रिलीजन में लिखा हुआ है, किसी पुराण में लिखा है कि शादी जो है वो 7 जन्मों का रिश्ता है, ठीक है, तो इसी वजह से अगर हम इनमें चेंज लेके आते हैं पर्सनल लॉज में, ठीक है, तो क्या होगा, रिलीजियस सेंसिटिविटीज कल्चरल सेंसिटिविटीज हर्ट होंगी, ठीक है, तो ये चीज भी एक इफेक्टिव है, मतलब ये चीज भी एक इफेक्टिव बैरियर है, ठीक है, जिसमें आप यूसेज नहीं ले सकते, ठीक है, और अलग अलग पर्सनल लॉज मैंने बताया, अलग अलग पर्सनल लॉज क्या बताते हैं, अलग अलग पर्सनल लॉज ये बताते हैं कि वो यूनिक कल्चरल आइडेंटिटीज को शो करते हैं कंट्रीज में, मतलब एक हिंदूज के अंदर भी कई सेक्ट होते हैं, कई क्या कहते हैं रिलीजियस कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, तो उनमें भी शादी करने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस के तरीके अलग होते हैं, अडॉप्शन के तरीके अलग होते हैं, ठीक है, तो जो पर्सनल लॉज है वो हमारे क्या बताते हैं, वो हमारी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटीज का ही हिस्सा है, ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटीज का ही हिस्सा है, इसीलिए अगर आप
उनको खत्म कर दोगे और एक सिंगल सेट ऑफ लॉ लेके आओगे तो क्या होगा, यूनिक कल्चर आइडेंटिटीज खत्म हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी, उनका डाइल्यूशन होगा और ये क्या होगा, ये हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी और प्लुरलिटी का भी डाइल्यूशन या फिर उसका भी लॉस होगा। ठीक है, हम लोग अपनी कंट्री को डाइवर्स बना के रखना चाहिए। ठीक है, फिर एक चीज ये भी है कि अगर आप यूनिफॉर्म स्वीट कोड लेके आते हैं, ठीक है, तो कई कंट्री तो कई कम्युनिटीज जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी स्पेशली वो क्या देखेंगी, इट इज अटैक ऑन देयर रिलीजन, तो और वो रेजिस्टेंस करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कम्युनल टेंशन हो सकती है, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, माइनॉरिटी और क्या होगा, जब उनको ये लगेगा माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को कि ये हमारे पर थोपा जा रहा है विदाउट आर कंसेंट, तो क्या होगा, उनका अल्टीमेटली एलिनेशन होगा मेन स्ट्रीम से। ठीक है, वो एलिनेट कर जाएंगे, उनको लगेगा कि कंट्री जो है गवर्नमेंट जो है वो हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, तो उनका एलिनेशन होगा, तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज इस वजह से भी अपोजिशन करेंगे यूजीजी को, इसीलिए यूजीजी को लाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, यूनिफॉर्म हमारा ठीक है, फिर यूजीसी अगर लेके आते हैं तो वो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट हो गया पर्सनल मैटर्स। ठीक है, स्टेट का काम क्या है, पर्सनल मैटर क्या होता है, जो इंसान का डोमेस्टिक स्फीयर होता है, ठीक है, वो ये होता है। ठीक है, शादी, उसको कैसे अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन रखना है, कैसे वाइफ के साथ रिलेशन, कैसे बच्चों के साथ रिलेशन रखना है। ठीक है, ये उसका पर्सनल स्फीयर होता है। ठीक है, रिलीजन भी उसका पर्सनल ही स्फीयर होता है। ठीक है, और स्टेट जो होता है इसके बाहर की एक्टिविटीज को गवर्न करता है। ठीक है, कि आप पब्लिक में कैसे एक्ट करोगे, ठीक है, क्या जॉब कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो इंसान का पर्सनल स्फीयर होता है, रिलीजन उसका पार्ट होता है, और अगर यूजीसी लेके आया जाता है तो रिलीजन में इंटरफेरेंस होगा और वही चीज है कि उसके पर्सनल मैटर्स में इंटरफेरेंस होगा, तो स्टेट का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ में। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स है, लेकिन कुछ यूनिफॉर्म स्वीट कोड के प्रोज भी हैं। ठीक है, कुछ एडवांटेज भी हैं। ठीक है, अभी क्या है, हम लोग आर्टिकल 14 में क्या बोलते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, क्योंकि पर्सनल लॉ सबके अलग अलग है। ठीक है, किसी को चार शादी अलाउ किया गया, किसी को एक शादी अलाउ किया गया, तो लॉ के अंडर में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्विल कोड आएगा तो आर्टिकल 14 जो है वो टूली स्टैब्लिश होगा, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ होगा। ठीक है, फिर वही भी कई जो रिलीजन पर्सनल लॉज है वो डिस्क्रिमिनेटरी है जेंडर, मतलब वुमेन के अगेंस्ट में, वो जेंडर इनजस्टिस करते हैं। ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट को रोकते हैं, कैसे, अगर जैसे वुमेन को क्या कहते हैं, सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए, अगर प्रॉपर्टी में ही हिस्सा नहीं मिलेगा तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे मिलेगी। ठीक है, और जब इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो वो अपने रिलेटेड बाकी के डिसीजंस नहीं ले सकती है। ठीक है, बाकी डिसीजंस कभी नहीं ले पाएगी। ठीक है, उसको हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगी, कल को खाने को मिलेगा नहीं, हस्बैंड अगर छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा, सड़क पे आ जाएंगे। ठीक है, तो वो अगर उसके अंदर बाकी जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, कि मतलब वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकती है या फिर आपके जैसे क्या कहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ सकती है, वो तभी बैठ रहेगी जब उसको सिक्योरिटी फील हो, वो इंपावरमेंट फील हो। ठीक है, अगर उसको ये लगेगा कि मेरी शादी के बाद या बुढ़ापे में क्या कहते हैं बच्चे छोड़ देंगे, मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा, तो कभी भी इंपावरमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, वो हमेशा भी इनसिक्योरिटी में जीती रहेगी। ठीक है, तो वुमेन की इंपावरमेंट के लिए, जेंडर जस्टिस करने के लिए यूनिफॉर्म स्विल कोड लाना चाहिए, क्योंकि जब भी यूनिफॉर्म स्विल कोड लेके आएगा तो वो जितनी भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं अगेंस्ट वुमेन इन डिफरेंट रीजन्स उनको खत्म करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल उनको को पार्टनर्स बनाएगा। ठीक है, फिर मैंने बोला कि सेंस ऑफ यूनिटी को प्रमोट करेगा, कैसे, वही चीज है कि जब तक हम लोग के पर्सनल लॉस से हम लोग गवर्न होते रहेंगे तब तक हम लोग की रिलीजियस आइडेंटिटी स्ट्रांग होती रहेगी कि हम लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख्स हैं, ठीक है, या फिर किसी और रिलीजन के। लेकिन जब हम लोग सेम सेट ऑफ लॉस से गवर्न होंगे, ठीक है, शादी और डिवोर्स के मैटर को, तब भी सेंस ऑफ यूनिटी आएगी कि इंडियन है। ठीक है, वो नेशनल आइडेंटिटी तब तक नहीं बन सकती जब तक आप यूसीसी नहीं लेके आएंगे, तब तक रिलीजियस आइडेंटिटी स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, फिर आप देखिए कि मतलब कितने ढेर सारे तो मेजर रिलीजन 7-8 हैं। ठीक है, फिर इन रिलीजन के कई सेक्ट हैं, मुस्लिम्स में अहमदीज हैं, शिया सुनीज हैं, हिंदूज में देखो आप क्या कहते हैं साउथ में, नॉर्थ में क्या बोलते थे, वैष्णवस हैं, ठीक है, शैव्स हैं, शाक्स हैं, ठीक है, इसके अलावा और ढेर सारे हैं। ठीक है, कन्नड़ अलग तरह से, लिंगायत अलग तरह से शादी करते हैं, ठीक है, कन्नड़ अलग तरह से करते हैं, नॉर्थ में पंजाबी अलग, बंगाली अलग, ठीक है, तो इन सबके कुछ ना कुछ और जो पर्सनल लॉज होते हैं सबके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब इस सबका क्या कहते हैं मैटर अडॉप्शन का, डिवोर्स का फर्स्ट है, और कोर्ट में जाएंगे सोचो कि एक जज के ऊपर कितनी प्रॉब्लम होगी, उसको हर
रिलीजन के हर सेट के लॉज क्या कहते हैं और कस्टम्स वगैरह उसको बैठ के पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ही क्या कहते हैं वो अपना जजमेंट दे सकता है, ये देखे कि ये जो कपिल आया है ये किस रिलीजन का है, ये किस जगह का है, ठीक है। लेकिन अगर एक ही एक्ट होएगा, ठीक है, तो बहुत सिंपल होएगा उसके लिए, क्योंकि जज को फिर मालूम है कि अगर डिवोर्स देना है तो वुमेन को इतना परसेंट प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है, या इस मैटर्स पे हम लोग डिवोर्स दे सकते हैं इस मैटर्स पे, क्योंकि डिवोर्स लेने के जो ग्राउंड्स होते हैं वो हिंदूज में अलग होते हैं, मुस्लिम्स में अलग होते हैं, ठीक है। तो जजेस को क्या कहते हैं, जुडिशरी को के ऊपर क्या कहते हैं, सब चीजें बर्डन है, अलग अलग लॉज पढ़ना, शादी और जैसे अब किसी को सजा देनी चोरी की, ठीक है, अब उसको जज को केवल आईपीसी मालूम होना चाहिए, ठीक है, और लॉयर्स को भी वही मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर डिवोर्स दिलवाना है, ठीक है, तो उसको कई ढेर सारे लॉस पता होने चाहिए, तब जाके वो कपिल जो कपिल आया होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या कहते हैं जजमेंट दे पाएगा। तो वो लीगल कंटिन्यूटी और सिंप्लिसिटी नहीं होती है, ठीक है, पर्सनल डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉस में, उसको लाने के लिए हम लोगों को एक सिविल लॉस मतलब एक ही लॉ होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म जैसे पॉलीगैमी हो गया, ठीक है, अनइक्वल इनहेरिटेंस राइट हो गया, ठीक है, या निकाह हलाला जैसी प्रैक्टिस, ट्रिपल तलाक जैसी प्रैक्टिस, ये सब क्या है, ये रिग्रेसिव सोशल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। इनको अगर हम लोग मॉडर्न सोसाइटी बोलते हैं अपने आप को, ठीक है, हम लोग बोलते हैं 21st सेंचुरी सोसाइटी बोलते हैं, तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें तभी खत्म होंगी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो एक प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म्स करने का एक तरीका है, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लॉ है, लॉ आया तो लॉ ने क्या किया, अनटचेबिलिटी खत्म कर दी, ठीक है, तो वो क्या था, सोशल रिफॉर्म था ना। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगा तो ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं ये खत्म होंगी और सोशल रिफॉर्म्स लेके आएंगे। तो प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म तभी पॉसिबल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू ही पॉसिबल है, ठीक है। और अभी क्या है, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि इक्वल स्टेट इक्वल ट्रीटमेंट दे टू ऑल रिलीजन। इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट दे टू ऑल रिलीजन। लेकिन अभी क्या है, सेक्युलरिज्म जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के टाइम में, उसमें अनइक्वल ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी विच अलोंग टू द रिलीजन विच इन विच अ पर्सन बिलोंग्स टू, ठीक है। तो असली सेक्युलरिज्म तभी प्रमोट होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, क्योंकि स्टेट जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट करेगा अलग अलग सारे सिटीजंस के साथ, अभी अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, पर्सनल लॉस के केसेस में, ठीक है। तो आज का हमारा डिस्कशन यही था, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे, ठीक है। तो अगर तो कंक्लूजन अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग कंक्लूजन किस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैंने प्रोज भी बता दिए, कॉन्स भी बता दिए, क्या क्या होता है, ठीक है, कि ये आपके प्रोज हैं, ये कॉन्स है, अब आंसर आए तो मतलब क्वेश्चन आए तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। कंक्लूजन अगर आपको लगता है कि समय राइट नहीं है इसको लाने का तो आप वो भी लिख सकते हो कि मतलब फ्यूचर में लाया जा सकता है, पर प्रेजेंटली इट इज नॉट प्रेजेंटली इट इज नॉट अ राइट टाइम टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, या आपको लगता है कि लाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो एडवांटेज देख के, ठीक है। तो हमारा आज का डिस्कशन यहीं पर खत्म होता है, एंड करते हैं, ठीक है, थैंक यू।